आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज, मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गुना जिला मुख्यालय से महज 36 किलोमीटर दूर आज भी एक गांव नरकी जिंदगी जी रहा है। इसे भ्रष्टाचार की भेंट कहें या फिर प्रशासन की उदासीनता, लोग पात्र हैं उसके बाद भी इन्हें नहीं मिल पा रही है योजनाओं का सही से लाभ। एक और जहां भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहां ये गांव आज भी इतना पिछड़ा है कि बात ही क्या। यहां महज बने हैं 4 शौचालय, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने बेशुमार पैसा पानी की तरह बहाया है। इस गांव में शौचालय न होने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। बात कर रहे हैं हम धरनादा थाना क्षेत्र के भुलाए गांव की, जहां पर एक गर्भवती महिला शौच के लिए जंगल में गई। वहां शौच के साथ ही उसको बच्चा भी हो गया। महिला वहीं पर बेहोश हो गई। जब रात में 10 बजे उसका पति उसको ढूंढने लगा, तब पता चला कि महिला रास्ते में पड़ी है। हालांकि उस गांव में शौचालय के लिए गड्ढे बहुत पहले ही खोद दिए गए हैं, लेकिन आज तक शौचालय का पता नहीं। महिला की माने तो अगर शौचालय घर में होता तो शौच के लिए उसे बाहर नहीं जाना होता, और बाहर ना जाने की दशा में उसके बच्चे को कुछ नहीं होता। नहीं होती। अच्छा, क्योंकि मैं अंदर ही रहती हूँ उसमें शौचालय में। अच्छा, आप बाहर से कोई अंदर से तो ये घटना नहीं, मतलब थोड़ी बेदरी है उसमें गई थी। हाँ, क्या हुआ? तो बेदरी में जाके बच्चा बच्ची हो गया वहीं पे, फिर वहाँ पे बेहोश हो गई। तो फिर आपको वहाँ कितने घंटे पड़े रहे? वहाँ पे पड़ी हुई होंगी, अब मैं जी तो आए जब होश आया, जब मुझे कुछ पता, तकरीबन 10 बज गए थे, करीब 7 बजे से 10 बज गए थे। अच्छा, इस घटना के बाद कोई सरपंच या कोई आपसे मिला है? कोई नहीं। किसी ने आपकी सुध नहीं ली? नहीं। कोई प्रशासनिक रूप से? कोई नहीं मिला है। जानकारी है वो ये घटना हुई है, काश शौचालय होता घर में तो ये नहीं होती, क्योंकि ये बाहर गई थी इसलिए खेत में ही शायद बच्चा हो गया उनके, और वो बेहोश हो गई वहीं पर। बेहोश होने के बाद फिर पता नहीं उसको बच्चा नहीं दिखा। अच्छा। हाँ, मत वो पता नहीं कुत्ता ले गया या कोई भी ले गया होगा उसको, पर उसको बच्चा नहीं दिखा। शौचालय होता तो शायद ये नहीं होता ऐसा, क्योंकि पास में जाना और इतनी बच्चे को भी उसको पास में होता, उसके बच्चे शौचालय होता है तो। यहाँ पर जिम्मेदार कौन है पता नहीं। इस जिम्मेदारी ना लेने के फेर में एक बच्चे की तो जान चली गई। बहुत ही उदासीन है हमारा प्रशासन, जो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। भुलाए गांव में आपको बता दें करीब 100 घर हैं और 500 लोगों की आबादी वाला ये आदिवासी क्षेत्र है। 500 की आबादी वाला ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र केवल 4 शौचालय मात्र के ऊपर टिका हुआ है। हालांकि यहाँ पर 50 कुटीर बनने का भी फैसला लिया गया था, उसके बाद भी कुल बने हैं 10 कुटीर। बाकी किसी के खंबे खड़े हैं, किसी की नींव खुदी रह गई है, बाकी का पता नहीं। समझ से परे है कि जब हम इतने आगे बढ़ रहे हैं एक डिजिटल इंडिया की तरफ, हम दिनों दिन स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, इस गांव में देखकर तो लगता नहीं कि हम वाकई में आगे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम और पीछे चले गए। धरनादा से हमारे सहयोगी नितिन शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने आज ली प्रेस वार्ता। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमित शाह को गुना की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका अध्यक्ष इतना ताकतवर है कि उनके नेतृत्व में यूपी, हिमाचल प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आदि जीत ही लिए हैं, और अब गुजरात, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों की बारी। साथ ही झा ने कहा कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी खुद की सीट बचा लें। हमारे संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक एवं नेता हैं, जो हमसे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत कांग्रेस बची है, उसे भी खत्म कर दो। यहां प्रभात झा यह कहने में भी नहीं चूके कि हमारे खिलाफ जो भी चुनाव लड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और गुना संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जड़ मूल से मिटा देंगे। झा ने यह भी कहा कि प्रदेश में सिंधिया भाजपा के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अमित शाह में दम कितना है ये उत्तर प्रदेश में दिखा दिया, अमित शाह में दम कितना है ये हरियाणा में दिखा दिया,
अमित शाह में दम कितना है ये झारखंड में दिखा दिया, अमित शाह में दम कितना है ये आसाम में दिखा दिया, अमित शाह में दम कितना है ये महाराष्ट्र में दिखा दिया, अमित शाह में दम कितना है ये हमने मणिपुर में और गोवा में दिखा दिया, अमित शाह में दम कितना है ये हम अब गुजरात में, कर्नाटक में और हिमाचल में बताएंगे। खुशी की बात यह है कि अमित शाह जी ने और शिवराज सिंह जी ने, मैंने यही कहा था आपसे पिछली बार शिवराज जी का नाम लिया था, अब अमित शाह जी ने भी अपने 3 दिन के प्रवास में कहा जड़ मूल से गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य जी को नष्ट करना है, जो हमारे खिलाफ लड़ेगा उसको हम नहीं बख सकते, इसलिए हम भी प्रवास पर कल माननीय राधे श्याम जी जिलाध्यक्ष जी ने, इसके पहले परसों बहुत बड़ी बैठक हुई जिले की, सामान्य बैठक में 600-700 लोगों का आना, सारे पदाधिकारी। चाचोड़ा में धूमधाम से मना गणेश चतुर्थी का त्यौहार, क्षेत्रीय विधायक ममता मीना ने चाचोड़ा स्थित अति प्राचीन बड़े गणेश मंदिर पहुंचकर माथा टेका। बता दें कि चाचोड़ा का यह गणेश मंदिर अति प्राचीन मंदिर होकर एक ऐतिहासिक भी माना जाता है। यह स्थान दुंदा लाल जी गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर विधायक ममता मीना सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भगवान श्री गणेश की आरती में सम्मिलित हुए। वहीं अपने संबोधन में विधायक ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला किया और भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कल चाचोड़ा क्षेत्र में प्रवास जाके आने से इंद्रदेव को खुश होने की बात भी कही। लोगों को मुआवजा देना, अब 65,000 लोग तो जाएंगे भाई, कांग्रेस के लोगों ने अभी तक मुआवजा क्यों, मतलब बीमा क्यों नहीं बांटा, मुआवजा क्यों नहीं बांटा, आज ये बीमा राशि जो 65,000 लोगों को देने आ रहे, तो ये वो तो इतने लोग तो जाने थे, भीड़ बढ़ाने की क्या आवश्यकता, लेकिन अधिक से अधिक लोग उसमें जाए और सरकार इतने बड़े काम कर रही है, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा गुना जिले के लिए बीमा राशि आई है, पहले क्यों नहीं आई, इतने समय तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही, क्या किसी को मुआवजा दिया या किसी को बीमा दिया क्या उन्होंने, और बीमा या मुआवजा दिया तो किसी को 300, किसी को 500, अधिकतम 900, जो किसी ने खाते ही नहीं खुलवाए किसानों ने, आज एक किसान को इतना बड़ी राशि आ रही, पिछली बार भी हमने 70 करोड़ का बीमा बांटा, उसके बाद भी और उसके पिछली बार सोयाबीन का फसल का मुआवजा बांटा, ओले का मुआवजा बांटा बीमा, और उसके बाद आज ये बीमा की राशि बांटने जा रहे हैं, इतिहास में पहली बार गुना जिले के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है। तो मेरे बाद जा साहब बैठक लेने आए तो उसके पूर्व इंद्र देवता प्रसन्न है, तभी तो सरकार इतने सारे दे रही, और किसान लोगों के खेतों में पानी की समस्या वो इसलिए तो हल हो रही है कि मुख्यमंत्री जी की जो उनका जो किसान के बेटे किसान का पुत्र आ रहा है, तो किसानों के चेहरे पर खुशहाली होना चाहिए, ना कि किसान दुखी हो, इसलिए बारिश हुई है। चाचोड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। विगत दिनों मस्जिद में आपत्तिजनक वस्तु फेंके जाने के विरोध में मुस्लिम समाज ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर निकाला मौन जुलूस। यह जुलूस शुक्रवार की नमाज के बाद जामा मस्जिद कैंट से शुरू होकर कैंट क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः जामा मस्जिद पहुंचा। यहां एडवोकेट मजर आलम ने पुरजोर तरीके से इस निंदनीय कार्य की निंदा की एवं पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग भी कही। इस जुलूस में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें विशेषकर समाज सेवी एडवोकेट मजर आलम, मुस्लिम समाज अध्यक्ष मोहम्मद शफीक कुरेशी उर्फ काले भाई, शहर काजी नूरुल्ला यूसुफ जई, जमीयत उलमाए हिंद के जिला अध्यक्ष काजी मोहम्मद अनीज रहमानी, जामा मस्जिद कैंट सदर करम गनी और भूरा भाई सहित कई वरिष्ठों ने मौन जुलूस में हिस्सा लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।
सादिया ने कैंट जामा मस्जिद से निकाला है और कैंट जामा मस्जिद पे इसका समापन हुआ है। और इस मार्च का निकालने का मकसद है कि इस तरीके की घटना या इस तरीके की हरकत अगर आगे होती है तो हम संविधान के दायरे में रहकर हर हद तक जाएंगे। हम मानने वाले नहीं हैं और हम तरीका रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के रसूल के तरीके पर हर मूवमेंट करेंगे इंशाल्लाह। बताया जी मार्च निकला है इसके बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, सभी मुसलमानों ने यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी, शांति मार्च निकाला और प्रशासन से अपील की है कि मस्जिद में जो नापाक हरकत हुई है उसका जल्दी जल्दी जो अपराधी उनको पकड़ा जाए। ये अभी शांति मार्च है, अगर अपराधी नहीं पकड़े हुए गलत अलग तो ये उग्र आंदोलन में बदलेगा, हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। आज जामा मस्जिद से मौन जुलूस निकाला गया था अमन मार्च का, इसलिए कि जामा मस्जिद कैंट के अंदर जिस तरह का ये पर्चा जो मिला है इसमें बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये तो तमाम लोगों को बताया नहीं कि क्या शब्द उसमें लिखे हुए थे, तमाम नौजवानों को और तमाम गुना शहर के मुसलमानों को। सिर्फ इतना ही बताया है कि इसमें गलत शब्द लिखे हुए थे, अगर इनको ये बताया जाता तो पूरे मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज़्यादा रोष होता और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। तो इसी वजह से ये अमन मार्च निकाल कर एक शांति का पैगाम दिया है और प्रशासन से इसकी उम्मीद की है कि जिसने ऐसा किया हो उसको पकड़ें और सही चीज़ को सामने लाकर उसको सजा दें। दो दिन बाद यानी 27 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे गुना। इनके गुना प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियां लगभग पूर्ण होने जा रही हैं। इसी क्रम में लाल परेड ग्राउंड पर भव्य टेंट लगाया जा रहा है जो कि दिल्ली एवं भोपाल से मंगवाया गया है तथा इस टेंट को लगवाने के लिए लगभग आधा सैकड़ा लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान से बुलवाए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री किसानों की फसल बीमा की राशि का वितरण भी यही गुना आकर कर रहे हैं। देशभर में गूंजेंगी गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। तो यहां आज से शुरू हो रहा गणेश चतुर्थी का महापर्व, कई घरों में तो कहीं भव्य पंडालों में आज विराजेंगे भगवान श्री गणेश। इसी के चलते बप्पा की मूर्तियां खरीदने के लिए आज भारी भीड़ देखने को मिली। जहां एक और इको फ्रेंडली मूर्तियों के बात कर रहे हैं वहीं पीओपी की मूर्तियां भी धड़ल्ले से बिकती नजर आईं। वहीं अगर पीओपी के भाव और मिट्टी की मूर्तियों के भाव मिलाए जाएं तो मिट्टी की मूर्तियां लगभग 3 गुना तक महंगी हैं। आइए नजर डालते हैं आज बाजार की चहल पहल पर। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने लाल परेड मैदान कार्यक्रम स्थल पर विधिवत भूमि पूजन किया। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि 27 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुव्यवस्थित तैयारियां एवं सफल आयोजन हेतु गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर मंत्रोपचार से पूजन कर वे आरती प्रभात झा ने की। इस अवसर पर उनके साथ गुना कलेक्टर राजेश जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक, गुना विधायक पन्नालाल शाके, अशोकनगर विधायक गोपीलाल जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा सहित गुना जिले के भाजपा पदाधिकारी एवं प्रशासन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। तो
सकत वेद पुराण अष्ट दस छायो शास्त्र सब संतन को रस मुन जन धन संतन को सर्व सारे अंत सम्मत सब लिए आरती श्री राम कलिमल हरण विषय रस पीति शोभा का श्रृंगार मूर्ति जो वती लालन रोग भव भोर अमीति काल मान सब की आरती श्री रामायण जगमग जगमग ज्योत जली है जगमग ज्योत जली है राम फोटो लगा है डीजे आना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।